एक बार हनुमान जी प्रभु की महिमा के बारे में सोच रहे थे, प्रभु की लीला के बारे में सोच रहे थे कि जब अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भर करके तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि मैं इसकी तलवार छीन कर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं गदगद हो गया। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो क्या होता। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है। मुझे तो लगता है कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। परंतु आज आपने उन्हें बचाया ही नहीं, बल्कि बचाने का काम रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चल करके जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं और ये त्रिजटा माँ कह रही है तो मैं क्या करूं। पर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, तब पर पूंछ में कपड़ा लपेट कर घी डालकर आग लगाई जाए, तो मैं गदगद हो गया कि उस लंका वाली संत त्रिजटा माँ की ही बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध तो प्रभु ने रावण के द्वारा ही करवा दिया। जब आप रावण से ही अपना काम करवा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए हमेशा याद रहे कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब ईश्वरी विधान है, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दें, वह प्रभु की इच्छा है।